हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत हरे मूंग की दाल। सबसे पहले हम यहाँ पर दाल लेंगे, दाल को अच्छी तरह से वॉश करके और इसे हम उबाल लेंगे। और यहाँ पर दाल उबल कर रेडी है। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल, इसकी जगह आप घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम जीरा, 1 टीस्पून जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च साबुत, चॉप किया हुआ लहसुन, 1 चॉप की हुई प्याज, दो चॉप किए हुए टमाटर, 1.5 टीस्पून नमक, नमक कम या ज्यादा अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 ग्लास जितना पानी। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके पकने देंगे। इस स्टेज पर यहाँ पर ऐड करेंगे हम बॉईल की हुई दाल। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 से कवर करेंगे और कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद यहां पर एक ब्लेंडर की मदद से मैं इसे थोड़ा बहुत ब्लेंड कर रही हूं, इससे दाल बहुत ही अच्छी और क्रीमी बनेगी। और आखिर में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया और 1 टीस्पून जितना बटर। तो ये थी मेरी दाल की रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।